मैं तो अभी फिलहाल बहुत घटिया बिल्डिंग में रह रही हूँ, क्योंकि अभी एक पुलिस स्टेशन में एक बंदे को जेल में डाल दिया। क्यों? इसलिए डाला कि वो घर में पहुँच गया था, मेरा दरवाज़ा तोड़ दिया, उसी वाला पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाया। ये देख कैसे नेल्स कर रहा है। माय गॉड, ये पकड़। हेलो हेलो, राखी जी ग्रुप फोटो कर ले। ये मेरे मेकअप मैन है, ये मेरे हेयर स्टाइलिश है, ये मेरा बॉय है कम मैनेजर कम एडवाइज़र, और ये मेरा भाई है रोहित, और मैं कौन हूँ? राखी साहब चमेली मैंने आज नेल्स किए हैं। ओ माय गॉड, 6 घंटे लग गए ये नेल्स करने में। आप दिखे थे अभी सलून पे? नहीं, उधर नहीं कराए, मेरे घर पे। नो नो, कॉफी ला रहे हैं कि नहीं? अरे जल्दी बोल। मुझे अभी एंटी स्टूडियो जाना है। राखी जी नेल्स अच्छे लग रहे हैं आपके? हाँ नेल अच्छे लग रहे हैं आपके। ये दोनों पकड़, ऐसे हवा दे थोड़ा। क्या बात है, इधर एक नंबर। वाह, ये मेरे नेल्स है। ये इस नेल्स को करने में 6 घंटे लग गए भैया, मुझे पता नहीं था, क्योंकि मेरे हाँ अबे मुंह में मत घुसा रहे। ये 6 घंटे लग गए, मुझे नहीं पता था, इतना कमर टूटी पूरी टूट गई। अभी मैं शूटिंग पे जा रही हूँ, उसमें मेरा रोल है वो प्रिंसेस का है, तो आज मुझे प्रिंसेस बनाने वाले हैं। देखते हैं कहाँ की, लोखंड वाला की प्रिंसेस लगती हूँ कि कहाँ की लगती पता नहीं। सॉन्ग है, सॉन्ग आ रहा है, सॉन्ग है। धमाल बच्चे का मतलब है। बहुत अच्छा सॉन्ग है, बहुत धमाका होने वाला है। मेरा ड्रीम है इसमें एक फ्लैट ले लूँ। क्या बात है, वो देखो प्रभु, क्या मैं इसमें एक फ्लैट ले पाऊँगी? प्रभु ऐसा बरसा दो मुझ पर, इतना नोट बरसा दो प्रभु कि मैं एक फ्लैट ले पाऊं। प्रभु एक नहीं, आप दो लोग हैं। मुझे दो नहीं चाहिए, मेरे ज़्यादा लालची नहीं हूँ मैं, मुझे एक फ्लैट मिल जाए बस। पंडित जी क्योंकि भी बोले इसमें ना? मैंने सुना है इसमें कपिल शर्मा का फ्लैट है, मिक्का का है, बहुत सारे सभी स्टारों का है इसमें। मैं तो अभी फिलहाल बहुत घटिया बिल्डिंग में रह रही हूँ, क्योंकि अभी पुलिस स्टेशन में एक बंदे को जेल में डाल दिया। क्यों? इसलिए डाला कि वो घर में पहुंच गया था, मेरा दरवाज़ा तोड़ दिया, उसी वाला पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाया, उसको अभी जेल में डाला है, पागल है। किस रीज़न? दरवाज़ा क्यों दरवाज़ा तोड़ा? अरे वो मेरा मास्क है, दिल मेरा फ़ोन उसके पास है, तो उसको जेल में डाला। बिल्डिंग के नीचे सब आ जाते हैं ना, तो फैन बोलकर, अरे फैन हो तो इंसान प्यार करता है, दरवाज़ा थोड़ी ना तोड़ता है, तो घर पे आके हालांकि दरवाज़ा तोड़ दिया। मैं नहीं थी घर पे, मेरी घर में लड़की थी, बहुत डर वर गई, रोने लगी, फिर कंप्लेंट किया, वो लड़की को चोट आया बहुत ज़्यादा, ये हुआ तो उसको पुलिस स्टेशन में ओशिवारे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवा के डाल दिया। इसलिए अभी मैं अच्छे एरिया में नहीं रहती हूँ, मुझे अभी एक फ्लैट लेना है जहाँ अच्छी सिक्योरिटी हो। मेरी बिल्डिंग में अच्छी सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी घुस जाता है, इट्स नॉट गुड। अभी एक वॉचमैनों पे और बिल्डिंग पे केस करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये लोग मंथली इतना पैसा लेते हैं, यू नो, मेंटेनेंस का। एक अच्छे वॉचमैन नहीं रहते, अच्छी सिक्योरिटी नहीं रखते, तो हम मेंटेनेंस का पैसा क्यों दें? राखी जी खतरों को खिलाड़ी में श्वेता तिवारी को बोल रहे हैं कि जो चालाक है, तो चालाक तो होना चाहिए ना। इन्होंने खतरों के खिलाड़ी को थप्पड़ों के खिलाड़ी बना दिया है,
झगड़ों के खिलाड़ी बना दिया है। आस्था गिल के फैन भी उसके ऊपर वार कर रहे हैं। ये गलत है ना। देखो श्वेता तिवारी अपने जिंदगी से भी लड़ रही है, असली प्लेयर वही है, और वो अपनी ज़िंदगी से भी जूझ रही है अपने लाइफ में, और वो उसने बहुत अच्छा प्ले करी और अपने आप को बहुत अच्छा मेंटेन किया। मैम बता, हमने तो कोई बच्चे भी नहीं पैदा किए, और मैं तो कितनी मोटी लगती हूँ, बट मेरे लोगों मेरे फैंस को मैं वैसे ही पसंद हूँ। आप जैसे वैसी ठीक है। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। मैं किसी के लिए अपना खाना रोटी छोड़ूंगी नहीं भाई। खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? मैं तो खाती हूँ। अच्छा रखती है। हाँ ये मेरी आंखें दुख रही है, ये नए झोपड़े लगाए ना आंखों के ऊपर, नए पलके लगाई है शूटिंग के लिए, आंखें जल रही है मेरी। आ गए क्या सब लोग? चलो ओके मैं चलती हूँ भाई, अभी बंद करो भाई, बंद करो, चलो चलो। मास्क तो निकालो मैम। थैंक यू। मेरे फैंस को हवा दे रही हूँ मैं, आप सुखी रहो, आप हवा में उड़ते रहो। लो राकेश सावंत आपको फैन दे रही है, हवा आ रही है। चलो भाई।